स्टार्ट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रानी एंड रिजवाना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक है और आप सबकी दुआ से हम सब बहुत अच्छा। तो चलो अब पूछते हैं मम्मी से कि आज दोपहर के खाने में क्या बनने वाला है। तो मम्मी, आज दोपहर के खाने में क्या बनने वाला है? और चावल। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं देखो चावल बन गए। और क्या बनने वाला है? अच्छा वाला ये है ना, इधर झींगा लेके आए। इतना सारा जो झींगा है उतना बनेगा नहीं। अच्छा, तो उसमें से थोड़ा लेके झींगा दुपैजा होगा। और इधर क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च और छोटे छोटे आलू उसका भाजी होगा। दाल धो के रखे, दाल बनेगा। और इधर जो टमाटर वो दाल पे जाएगा, और दाल पे जाएगा उधर ही रखा हुआ है झींगा का है। अच्छा, झींगा दुपैजा तो उसमें कांदा ज़्यादा जाते हैं और हरी मिर्ची देना पड़ेगा। झींगा दो पैसा बनाने में मम्मी बनाते ना एक नंबर लगता है खाने के लिए। मेरा भाई, मैं और मम्मी बहुत शौकीन सा खाते हैं। हरी मिर्ची कितना छः हरी मिर्ची। इसका हरी मिर्ची अगर उससे उठा से खाते ना बहुत मस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है। खाने में मेन्यू में शिमला मिर्च, छोटे छोटे आलू का भाजी, झींगा दो पैसा और दाल और चावल। अरे बाबा, झींगा अपन साफ साफ कर लेंगे। इसका छिलका छिलकेगा ना तो बचेगा कुछ छिलका में। हाँ, छिलका तो नहीं छिलना चाहिए, थोड़ा बड़ा भी है। ये छिल छिल मतलब साफ सफाई करके प्लेट में रख देंगे। एक देखो, हम लोग रात में मार्केट गए थे तो उधर से लेकर आए, है ना मम्मा? हाँ। कितना माशाल्लाह, एक कितना जबरदस्त लग रहा है झींगा, ताज़ा एकदम। वो उधर समुद्र नज़दीक है ना। हाँ, तो मच्छी लोग को ताज़ा ताज़ा मिलता है। खाना पीना खाने के बाद पानी आता है 4 बजे, 4:30 बजे पानी भरने के बाद असर की नमाज, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे रसास। तो रसास से भी आप लोग को मतलब जाएंगे मीरा रोड। हाँ, तो वहाँ से भी आप लोग को अच्छा अच्छा वीडियो देखने मिलेगा और जो सब कुछ वीडियो में देखने मिलेगा, वीडियो में बने रहना। हाँ, खाने के चीज़ से जगह जिधर गए थे उधर का भी आप लोग को सब देखने मिलेगा। तो चलो बाद में आपसे मिल तो गया है। अब जो झींगा बचा है मम्मी को बोली मम्मी फ्रिज में थैली भर के रख दो, नेक्स्ट टाइम काम आएगा। बहुत है, बहुत सारे है। फ्रिज जो बच गया उसमें 2 बज गया, फ्रिज में रख देंगे। बहुत डर लगता है सारा। चम्मच डाल दिए कढ़ाई में, ये आलू टा फ्राई कर लेंगे। शिमला भाजी और आलू के साथ पहली बार मैं बना रही हूँ फ्राई करके। मैं बोल देती हूँ मम्मी को, मैं तो हमेशा उसका एक सामान बनाती थी। हाँ ना, हाँ, उसमें से मैंने बनाई। अच्छा, शिमला मिर्च लास्ट के लिए हम नरम, शिमला मिर्च लास्ट में जो डाले ये नरम है ना जल्दी पक जाएगा। अच्छा, मम्मी बोल रहे शिमला मिर्च लास्ट में से रख दो, शिमला मिर्च नरम है ना तो जल्दी पक जाएगा, जल्दी गल जाएगा इसकी वजह से। मस्त, अरे वाह, लहसुन डाले। हम लोग काचा लहसुन खाने के टाइम खाते हैं तो हार्ट ब्लॉकेज नहीं होती है, खून पतला रहते हैं। तो अभी मैंने आज इसके साथ फ्राई करके खाऊंगी और अच्छा लगेगा। अभी ये तुरंत जो लहसुन है वो लास्ट के लहसुन तेज पत्ता डालने से तेज पत्ते के ऊपर छिड़का ऊपर आने वाला था, पीछे हट गई मैं। हरी मिर्ची हट जाओ क्योंकि पहले दिखा नहीं पाई क्योंकि मिर्ची फट रहा था इसकी वजह से। जिसमें आलू और शिमला मिर्च फ्राई किया वही तेल में झींगा बनेगा। लेकिन शिमला मिर्च आलू बहुत टेस्टी लगेगा ना मम्मी? पहली बार मैंने। हाँ, चलो मम्मी हमेशा उसको ग्रेवी बनाते थे सालन टाइप से। हाँ, सूखा सूखा करके बना। जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक का पेस्ट। हाँ, नहीं हाँ, खुशबू जबरदस्त आ रही है।
इसका जो कांदा जो है ना, इसका कांदा गलना नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा रहना चाहिए, पक जाएगा फिर भी नहीं गलना चाहिए, तो अभी वो झींगा के दोपहजा में अच्छा लगता है। अच्छा, कांदा झींगा दोपहजा इसका नाम, कांदा झींगा दोपहजा, दो प्याजा, दो प्याजा, इसमें ज्यादा टमाटर भी नहीं देने का, हल्का हल्का। अब डालेंगे हम झींगा। आज झींगा फ्राई करके नहीं डाला, ऐसे ही डालोगे? हाँ, फ्राई करके डालेगा उसकी टेस्ट अलग हो जाता है। अच्छा, कच्चा झींगा का टेस्ट अलग आता है। हाँ, उसकी जो रस रहता है ना, हाँ, कच्चापन का एकदम टेस्ट होता है। ओ, फ्राई कर लो। हाँ 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 सही सही। देखो एक बार, नमक डाली थोड़ा सा, कैसा लग रहा है? मीठा लग रहा है एकदम, मतलब इसमें डालने से नमक, नमक डाले ना, हाँ मीठा नमक, नमक अच्छा मस्त लग रहा है। मैं जो भी चीज़ देता ना ग्रेप्स में भी, ग्रेप्स को थोड़ा सा मम्मी अभी ना ब्लैक अंगूर लेकर आते, ग्रीन अंगूर बीच में तो थोड़ा सा काला नमक, तो मतलब बीच में से इसको क्या बोलते हैं अंगूर, नहीं अंगूर को बीच में से कट करके थोड़ा सा नमक डालते और टेस्टी लगता है, जबरदस्त कलर आ गया। जो टेस्ट चाहिए सेम ऐसा, इसमें गर्म मसाला नहीं जाता, नहीं जाता जो झींगा का तो खुशबू चला जाता है, गर्म मसाला का खुशबू आता है। तुम पकाने सीख लो, आप लोगों को काम आएगा, जब बनाओगे तभी देख सकते हो आप लोग। देखो बोल रहे हो, ठीक है सीखती हूँ, एक दिन मैं बनाऊंगी। थोड़ा सा पानी दूंगी, हाँ क्योंकि थोड़ा सा झींगा पक जाना चाहिए, क्योंकि कांदा कांदा उसके साथ दिखना चाहिए। अबे आलू, उसमें आलू नहीं डाले ना ये वाले में, ये आलू उस टाइम में आलू डाले। अच्छा, लेकिन जो भी ये झींगा दो पैजा वो आलू झींगा होगा, आलू झींगा दो पैजा। दो लहसुन, ज्यादा नहीं देने का, फिर ऊपर से सीटी के ऊपर से पानी आ गया, इतना ही बस, इतना पानी बस। दाल रेडी। वाओ, इतना जबरदस्त लग रहा है मम्मी। देखा कांदा गला नहीं, नहीं ठीक बोला थे तुमने, कांदा गलेगा नहीं। अब दाल मिठा देंगे, चलो बाद में आपसे मिलते हैं, बाहर घूमने रसाज, वहाँ पे आपसे मिलते हैं, चलो। इधर कितना पुलिस खड़ा है, देखो इधर बहुत सही है, ये साइड में किधर वैलेंटाइन की साड़ी है, वहाँ से आवाज़ आ रही है ना वाली, उधर क्या किधर ये सब कितना पुलिस इधर खड़ा हो गया, वो उधर भी है इधर। गाड़ी आके जाम हो गया उधर, अभी आ रहे हैं वैलेंटाइन से जुड़े, माशा अजान हो रहा, अभी इसे बंद कर। हाँ जुलूस।
कैसे करो? लेटनेस नहीं है लाइट चालू हो गया। अभी तो लाइट का अभी तो चालू नहीं करा, अभी मगरिब का नमाज होगा, मगरिब के नमाज के बाद लाइट चालू होगा। इधर सब लाइट दिख रहा है, अभी भी लाइट सब दिख रही है, कितना अच्छा है ना। इधर ये शिया लग का मस्जिद है, कितना अच्छा बना है। खिलौना खिलौना बच्चा लोग कर देखो, उमेर खड़ा हो गया, खिलौना लेने के लिए तैयार हो गया। देखना ये शिया लोग का मस्जिद कितना खूबसूरत है ना। हॉस्पिटल खुला सर, खुला इधर भी खाने की भी चीज़ कितना अच्छा अच्छा मिलता देखो। उधर का लाइट चालू हो गया देखो, ये लोग देखो ऐसा नवी दिवस है बोल के सब लोग कपड़ा देखो, एक ही कलर, एक ही डिजाइन का कपड़ा है। ओके आमिर मेरा रोट हो गया आमिर। इधर का फ्लैग इतना महंगा हो गया, ये दुबई होने वाला है मेरा रोड, थोड़ा दो दिन बाद दुबई हो, दो दिन बाद नहीं 10-12 वर्ष साल में हो जाएगा, क्योंकि इधर का फ्लैट है भाड़ा और फ्लैट बहुत महंगा हो गया। इधर एक फकीर जो है ना वो भीख मांग नहीं मांगेगा। हाँ ये कोलकाता भी ऐसा होता है, वो दूर दूर में मेडियापुर वो सब जाएगा में होता है। हाँ तला में भी अच्छा अच्छा होता है। ये है मीरा रोड, कितना अच्छा था। फ्लैग फ्लैग बोलते क्या बोलते हैं उसको, हाँ अभी फ्लैग मिल रहा है झूमर जैसा, उधर पे भी लोग मिलते हैं झूमर जैसा, बोला तो है कितनी बार बताऊँ तुमको, मेरे को नहीं इसमें बोलो इसमें। हाँ वही झूमर जैसा पूरा डेकोरेशन किया है, अभी तो इतना उजाला उजाला है बोलते, इतना क्लियरिटी उसका बराबर नहीं आएगा, जब अंधेरा होगा ना इसकी क्लियरिटी और अच्छा है। थोड़ा उजाला है अभी, ये देखो हम रेसेस में आया, पहले हम लोग को ये खाने के थे। ये उमेर खा रहा है, उमेर खिलौना ले लिया देखो, ये सब हम लोग अभी खा रहे हैं। सब खाने का चीज़ लाइन से देखो, इधर आओगे घूमने के लिए खाने का चीज़ एक एक से मिल जाता सब, पिज्ज़ा बर्गर सब कुछ। ये मोमोज है, फ्राई मोमोज, ये मोमोज, ये बर्गर, चटनी, गरम गरम उमेर बोल रहे हैं गरम सॉस रेड और व्हाइट सॉस लाओ। देखो मोमोस खा रहे, टेस्ट है किधर अच्छा है, उधर बच्चे का खंबा है, हाँ क्या जंपिंग जंपिंग है,
मैंने बोला था बच्चों लोग देखो ये उम्र है। अब ये क्या मारेगा एरो, उसको क्या बोलते हैं वाला डब्बे में जो है ये वन नंबर है भाई साहब। फिर आपके इधर बहुत सारा बच्चे लोग आएगा मम्मी आपके इधर आएंगे बच्चे भी। क्या बात है भाई, शूटर है आप तो, वेरी गुड वेरी गुड। फ्लावर समझे तो फायर है। पुलिस बनेगा पुलिस, क्या बात है। अरे बाप रे, पुलिस बनेंगे आप, क्या बात है, वेरी गुड। वन दबाओ, ओ क्या बात है, ओ हो 240, ओ पहली दबा दी, पहली दबा दी, बोलूंगा तब दबाना, सही है ना। ओ भाई क्या बात है, तीन बुक फोड़ दी है, वेरी गुड। चलो चलो क्या चीज, गाड़ी जीता बता दे, ओह ऐसा गाड़ी जीता उसने, क्या बात है भाई, गाड़ी जीती है, वेरी गुड। उधर कपड़ा मिलेगा ना श्री, उधर 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 ये इस साइड में कपड़ा, उमेर देखो कार में बैठे हैं। मैं तो वो कार राइडिंग कर रहे हैं। ये उमेर है, रहे बाबा उमेर, हाय हाय करो, हाय करो। लाइट कितना अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी शॉट नहीं ना, वो पापा बैक अप बोले काय करे नीचे और ये जो हम किशिर ये दुकान है का, क्या लेके आई इसने, आई थिंक सो केक होगा मम्मा, चम्मच भी दिए देखो, इसमें भी वही है, इसमें भी सेम है ना, क्या खोलेंगे कैसे, रुको रुको मैं केक लाए देखो, ये लेके आ, अच्छा डोनट्स का जो लड्डू, लड्डू लड्डू नहीं केक है वो, छोटे छोटे केक, ये देखो, अच्छा प्लेट लेके आती हैं कप, ताजी लेकर आए, इसको पसंद है कमेंट्स करके जरूर बताना, खोल के देखेंगे अभी, केक है ना, चॉकलेट बॉल है वो, ये वाला चॉकलेट बॉल है और एक कप केक है, अरे कप केक है, तो एकदम नॉर्म तो नहीं है ना जुनैद, नॉर्मल नहीं है वो, नरम नहीं है, कड़क है, हाँ फ्रिज में था ना इसलिए, तभी चलो हम लोग कभी खाएंगे, एंजॉय करेंगे, आप लोग देखना, देख के कमेंट करना, अच्छा अच्छा कमेंट करो कैसा लगा जरूर बताना।
चलो बाद में आपसे फिर से मिलके ये खा के।